साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो वहीं बीजेपी ने घोषणा पत्र पंच प्रण जारी किया है और सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर बीजेपी के घोषणा पत्र पर जेएमएम ने निशाना साधा और इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। झारखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव होने जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसी। वहीं रांची में झारखंड बीजेपी ने पहले चरण के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें आपको कि बीजेपी ने पहले अपने घोषणा पत्र का नाम पंचप्रण रखा है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत झारखंड के हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को बचाने के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ सीएम और मंत्री बनाने के लिए नहीं है। जब चुनाव संपन्न हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कौन सी। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझते हैं कि झारखंड बीजेपी के पंच प्रण क्या क्या है। झारखंड बीजेपी के पंच प्रण, पहला, महिला के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए की सहायता, सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर, 287,000 लाख खाली सरकारी पद भरे जाएंगे, हर स्नातक को 2 साल के लिए 2000 रुपए का भत्ता और साथ ही घरों के निर्माण के लिए मुफ्त बालू भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वही पंचप्रण जारी करने के दौरान झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी मौजूद हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत झारखंड के तमाम नेता मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मंच पर मौजूद हैं। वही झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि बीजेपी और 2 चरणों में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दूसरी ओर बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जो भी वायदे किए वे बीजेपी शासित राज्यों में पूरी किए गए, जैसा कि राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, असम में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के वायदे पूरे किए गए हैं। प्रदेश का माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना जाते हैं, झारखंड बीजेपी आसाम में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र में जाना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये जो गोगो डीडी योजना है ये कोई लुभाने का काम नहीं है। जो काम हमारा बाकी प्रदेश कर रहा है एज ए गुड गवर्नेंस मॉडल हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है हेमंत सोरेन जी ने माया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था क्या आपने ये योजना आसाम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या ये आपने छत्तीसगढ़ से लाया। किस लिए? आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, हम लोग आज से 2-3 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो ये सारा स्टेट में जाए। वही हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह योजना सिर्फ वादे तक सीमित नहीं है बल्कि इसे जमीन पर उतार कर ही तब बीजेपी की सरकार सुशासन के मॉडल पर काम बढ़ार। बीजेपी की ओर से जारी किए गए प्रथम घोषणा पत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी की प्रपंच करार दिया है। लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा। और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहा हूँ, हम जान बुझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तब 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और डीडी के लिए और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है
की योजना में अभिनय बताना पड़ रहा है कि संथाली भाषा बोगो का अर्थ क्या होता है। झारखंड में मैया सम्मान यात्रा योजना शुरू होती है तो बीजेपी वाले कोर्ट में केस कराते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब जाकर के वोट मांगना होता है तो वहाँ जाकर के मां सम्मान योजना की घोषणा करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे और वो भी ईद में देंगे। तो झारखंड में आके कुछ कहना, जम्मू कश्मीर में जाके कुछ कहना, ये तमाम तो ये और ये योजना ठीक है। और ये योजना मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, कर्नाटका में भी महालक्ष्मी योजना जो इस प्रकार से, उसमें कांग्रेस की सरकार वहाँ जो है वो 2000 रुपए दे रही है, और झारखंड में भी मुझे पूरा भरोसा है कि जो न्यायालय से लड़ करके हम लोग 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पर बकाया है जब वो ले करके आएंगे तो इसकी राशि को भी दुगनी करेंगे। और अब देखना होगा कि झारखंड बीजेपी अपनी योजनाओं को लेकर क्या पलटवार करती है। झारखंड की सत्ता में वापसी को लेकर लगातार कोशिशों में जुटी बीजेपी ने पंच प्रण लागू कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंच प्रण के जरिए विधानसभा चुनाव की जो दांव खेली है उसको लेकर अब सियासत गर्म है। बीजेपी ने कहा है कि वे अपने पंच प्रण में मौजूदा सरकार की मैया योजना को टक्कर देने वाली गोगो दीदी योजना को लेकर आ रही है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता मिलेगा। इसके अलावा सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसे भी 500 रुपये में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने अपने पंच प्रण में कहा है कि झारखंड के 25 साल पूरे होने पर करीब 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगार युवकों को 2000 रुपये का भत्ता भी 2 साल तक दिया जाएगा। बीजेपी के इस पंच प्रण के ऐलान के बाद राज्य की सियासत लगातार गर्म होने लगी है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन तमाम योजनाओं को लागू करने की फिराक में है जो मौजूदा सरकार लागू कर चुकी है, यानी कि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर बीजेपी ने जिस गोगो दीदी योजना का ऐलान किया है वो भी इसी का एक हिस्सा है जिसका वो एडवांटेज लेना चाहती है। आपको बता दें कि झारखंड के संथाल के इलाके में गोगो दीदी का मतलब माँ बहन ही होता है और इसे आदिवासियों की भाषा से जोड़कर उनके बीच जाने की ये कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अब एक पर्चे के माध्यम से, एक फॉर्म के माध्यम से गोगो दीदी योजना में पंजीकरण के लिए अभियान भी चलाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार सत्ता हासिल करेगी इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और उनके सम्मान राशि को बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया जाएगा। अब चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से योजनाएं और जिस तरीके से वायदों का पिटारा खोला जा रहा है, उससे आगे आने वाले समय में जनता या वोटर इसे किस रूप में देखती है ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेशन न्यूज़।